हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक रेडोइड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने किसी भी स्मार्टफोन को कैसे जो है अपडेट कर सकते हो नए एंड्रॉयड वर्जन में। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे जो कंपनियाँ जो थे, जो ब्रांड्स जो होती है ना, वो जो जो फ़ोन आप यूज़ करते हैं, अगर वो मिड रेंज है, मतलब 20,000 के नीचे का है, तो अब उसमें होता क्या है, वो कंपनियां मैक्सिमम एक अपडेट देती है। और अगर जो 10,000 के नीचे का है तो कभी कभी तो अपडेट भी नहीं देती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि मैन्युअली कैसे जो है अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं। वैसे अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तब, और घंटी बटन भी दबा देनी है और भी अगली वीडियो के लिए। यहीं पर देखिए शेयर का बटन है, तो इस वीडियो को जो है शेयर भी कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कुछ अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो अपने फ़ोन को अपडेट कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पर अगले स्टेप्स की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आपको कमेंट भी कर देनी है, एंड्रॉयड अपडेट ट्रिक, तो ये कमेंट कर देंगे तो आपका कमेंट जो है वो नीचे लिस्टेड बिलो हो जाएगा। तो इस तरह से कमेंट आपको कर देनी है, बेस्ट एंड्रॉयड ट्रिक। तो ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कमेंट कर दिया, तो आपको जो है अभी कभी कमेंट कर देनी है और शेयर भी कर देनी है व्हाट्सएप में, ताकि सबको पता चले। तो चलिए अब जो है स्टेप्स की ओर चलते हैं कि फ़ोन को अपडेट कैसे करेंगे। तो देखिए, अपने फ़ोन में मैंने जो है रिकवरी को इंस्टॉल किया है। आपके फ़ोन के रिकवरी का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे कैसे इंस्टॉल करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वीडियो का, 2 मिनट उसे भी देख लीजिएगा। अब रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए, फ़ोन को अपडेट करने से पहले बैकअप ले लेना चाहिए। बैकअप क्यों लेना चाहिए, इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से चेक कर लें। तो चलिए हम जो है पहले यहाँ पर बैकअप ले लेते हैं। ये जो बैकअप है, बैकअप पर क्लिक करके ये स्वाइप टू बैकअप है, तो आप बैकअप कर सकते हो यहाँ से। तो मैं यहाँ पे बैकअप नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ये वाइप है, तो आपको वाइप पे क्लिक करनी है नए सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वाइप पे क्लिक करते हैं, और ये सब करते टाइम आपको ध्यान रहे कि आपका बैटरी परसेंटेज जो है 50 के ऊपर है। मिनिमम आपको 50 रखना है, 40 रखना है, उससे कम नहीं, क्योंकि ये इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, 15 मिनट भी लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने वाइप पे क्लिक किया, तो सिस्टम, डॉल्बिक, डेटा, ये चार चीज़ें थी, उसे मैंने टिक कर लिया और मैंने वाइप कर दिया। और ये वाइप करने के बाद आपको अगले स्टेप्स की ओर जाना है, जो कि हमारा इंस्टॉल वाला प्रोसेस। तो अब मैं वाइप करने के बाद यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टोरेज कर सकते हो कि आपने जो है अपडेटेड फाइल को, जो कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो, उसे आपने कहाँ पे रखा है, मेमोरी कार्ड में या इंटरनल में। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टोरेज आपको करनी है, तो मैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड में मैंने रखा है अपडेट फाइल को, तो मैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड सिलेक्ट करूँगा, SD कार्ड, माइक्रो SD। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद ओके करनी है, तो उसके बाद आपका जो फाइल मैनेजर है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपडेट फाइल आपको सर्च करना है कि आखिर वो कहाँ पे है। मेरा यहीं पे है अपडेट फाइल, तो इस तरह से देख सकते हैं, ये मेरा 9.0 वर्जन का अपडेट है। और ये मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है, ये नौगट में था अभी, लेकिन अभी आप देखेंगे ये लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो अपडेट फाइल है, इससे आपको क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर देनी है, स्वाइप टू इंस्टॉल, जैसा कि मैं अभी करता हूँ। उस पर मैंने क्लिक किया, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश आएगा, इस तरह से वाइप कर दें, और ये देखिए ये जो है इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस इंस्टॉलेशन में लगभग 5 से 6 मिनट लगेगा, या 5 मिनट लगेगा, उसके बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अपना जो फोटो है, जो वीडियो है इंटरनल में इम्पोर्टेंट वाला, उसे मेमोरी कार्ड में बैकअप कर लें तो अच्छा रहेगा, सेफ्टी रहेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, इंस्टॉल जो है सक्सेसफुल हो चुका है, और इस तरह से आपको अब गैप से इंस्टॉल करनी है। तो बहुत बहुत अपडेट फाइल में गैप्स जो है उसी अपडेट फाइल के अंदर ही होता है, जैसे कि मेरे में जो है अंदर में नहीं है, तो मुझे साइड से गैप्स को इंस्टॉल करना पड़ रहा है। मैंने उस पर क्लिक करके उसी तरीके से मैंने स्वाइप टू इंस्टॉल मैंने कर लिया, ये गैप्स भी जो है इंस्टॉल हो रही है। गैप्स में जो है गूगल प्ले सर्विस का ऐप जो है इनबिल्ट होता है।
तो ये जो अपडेट फाइल है, ये लेटेस्ट जो है बेस है सीआर ड्रॉइड जो इसका जो बेस है उस पे, और ये 9.0 एंड्रॉइड वर्जन पे है, रन करता है। तो ये देख सकते हैं, ये भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल होने वाली है, तो मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये लगभग जो है फ्लैश हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुका है सिस्टम को। सक्सेसफुल फ्लैश होने के बाद आपको रिबूट पे क्लिक करनी है। तो इस तरह से आपको रिबूट पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन आएगा, डू नॉट इंस्टॉल, तो वो भी आपको कर देंगे तो काम चल जाएगा। तो मैंने उसी पे क्लिक कर दिया और ये फ़ोन जो है बूट लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट बूट में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमने यहाँ पे नया सिस्टम को इंस्टॉल किया है। तो ये बिल्कुल नया अपडेटेड फाइल है सीआर ड्रॉइड और नोगट ऑडियो सॉरी एंड्रॉयड पाई पे बेस है। तो ये जो फ़ोन को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मतलब 5 से 7 मिनट मैक्सिमम। और ये देख सकते हैं बूट एनिमेशन जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, जैसा कि गूगल पिक्सल के सीरीज के डिवाइस का जो उसका बूट एनिमेशन होता है उस तरह से इस फ़ोन में भी बन चुका है। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि हमें नया सिस्टम का अपडेट जो हमने कर लिया और काफ़ी हमें नए नए फीचर्स मिले हैं। तो ये देख सकते हैं ये फाइनली बूट होने के बाद इस तरह से आपको देखने को मिलता है, हाय देयर, और ये जो एक जो है गूगल का लोगो इस तरह से है। तो ये एंड्रॉयड पाई पे वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। अब आगे स्टेप चल स्किप करते हैं ये सारी सेटिंग को। तो ये देख सकते हैं ये लगभग हमने सेटअप कर लिया, और ये सेटअप होने के बाद ये हमारा रहा एंड्रॉयड 9.0। और जैसा कि अभी आप देख रहे थे मेरा जो है सिस्टम किस टाइप का था, लेकिन अपडेट करने के बाद ये जो है इस तरह से फ़ोन जो है कुछ दिखता है। और यहाँ पे जो है इसमें कुछ नए नए फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हो ये टोटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है नया एक्सपीरियंस, नया यूआई, तो काफ़ी मस्त लगता है देखने में। इस तरह से आप भी जो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पाई को, इसका एगेस्टर देख सकते हो, यार कितना इंटरेस्टिंग है और नया बिल्कुल है। तो इसके लिए तो थम्स अप। और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ सीआर ड्रॉइड का एक जो है मान लीजिए आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन रहता है, उसके अंदर आप जो अपने फ़ोन में बैटरी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए डिस्प्ले के सेक्शन में आपको मिल जाता है थीम, फ़ॉन्ट साइज वगैरह, ये सब कुछ मिल जाता है कस्टमाइजेशन करने के लिए। और ये देखिए जो है कुछ सौमी का पार्ट जो कुछ कुछ नया नया यहाँ पे सीआर ड्रॉइड में ये कस्टमाइजेशन का फीचर मिल जाता है। तो स्पीड मीटर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है, बैटरी को अगर आप राउंडिंग स्टाइल में चाहेंगे देना तो वो भी आप दे सकते हो, या फिर आप चाहो दूसरे टाइप का मोड करना तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर आपको मिल जाता है जो कि आपको ऐसे नॉर्मल किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा, किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये हम अपडेट करके नेविगेशन बार को भी हम इनेबल कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो नेविगेशन बार को इनेबल कर सकते हो। ये देख सकते हैं एनिमेशन का सेक्शन है, इस तरह से सीआर ड्रॉइड का कस्टमाइजेशन फीचर मिल जाता है। तो यहां पर से आप जो है कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। एनिमेशन जो है काफ़ी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, नया एनिमेशन, नया लुक और एंड्रॉयड पाई वर्जन के साथ। तो ये देख सकते हैं, वैसे ये डिजिटल वेलनिंग जो है इसमें आपको ये मिलता है कि जो आप मान लीजिए अपने फ़ोन को कितनी बार लॉक अनलॉक वगैरह सब कुछ करते हो, ये सब आपको बताता है किस ऐप को आपने कितना देर यूज किया। तो ये एंड्रॉयड पाई का एक नया फीचर जो है ये ऐड हुआ है, तो इस कारण से थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग लगता है एंड्रॉयड पाई को यूज करने में। आपके स्टेटस जो है वो काफ़ी मस्त से बताता है, ये देख सकते हैं इस तरह से एंड्रॉयड पाई का एगेस्टर है। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और देखिए शेयर का यहीं पर बटन है, आपको इस वीडियो को शेयर भी कर देनी है व्हाट्सएप में, ताकि जो और भी एंड्रॉयड ओल्ड एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, जो ओल्ड पुराने वर्जन को अभी तक यूज़ कर रहे हैं, वो जो अपने फ़ोन को अपडेट कर पाएंगे। तो देख सकते हैं शेयर का बटन है, यार शेयर कर दो, 2 मिनट रोक के इस वीडियो को, ताकि सब जान पाए। सभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो वीडियो TWRP वाला रिकवरी इंस्टॉल करने वाला और बैकअप वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।